पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का राज हर तरफ है। चुनावी हिंसा से लेकर सियासी हत्याएं तो होती ही रही हैं, लेकिन अब टीएमसी के कार्यकर्ता जबरन धर्मांतरण भी करवाने लगे। ऐसी ही एक घटना की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में दो महिलाओं द्वारा उनके पतियों को विरोधी दल को समर्थन करने की सजा के रूप में जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तांडव राज्य में जारी है। राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, बलात्कार और उनके घरों में आगजनी को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में भी दो पीड़ित भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस राजनीतिक दल के गुंडों द्वारा धर्मांतरण कराने की बात कही जा रही है वह टीएमसी से है। महिलाओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा है कि उनके पतियों, रिश्तेदारों, भाइयों और जिले के कालियाचक इलाके के निवासियों को जबरन धर्मांतरित कर हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। महिलाओं ने कहा कि उनके पति विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल के लिए काम करते थे और जब वह चुनाव हार गईं, तो विरोधी दल ने सजा के तौर पर उन्हें धर्मांतरित कर दिया। इस मामले में दोनों महिलाएं बहनें हैं और उनके पति आपस में भाई हैं। ये दोनों एक पार्टी के लिए काम करते थे। साल 2021 में वह पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। महिलाओं का आरोप है कि उनके पति 24 नवंबर 2021 से लापता हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी, लेकिन संबंधित थाने में उनकी शिकायतों को फाड़ दिया गया। इसके साथ ही इन महिलाओं को बताया गया कि उनके पतियों ने इस्लाम अपना लिया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पतियों ने पारिवारिक विवादों के कारण अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था, इसी कारण दोनों ने वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण से पहले इनका नाम गौरांग मंडल और बुद्धू मंडल था, अब ये दोनों गौसल आजम और मोहम्मद इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। इस संबंध में उन्होंने दोनों के धर्मांतरण का शपथ पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हलफनामे की पुष्टि क्यों और किस उद्देश्य के लिए की गई है। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और शिकायत मिलने के बाद ना ही कोई कदम उठाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा इसके अलावा भी अन्य आरोप हैं, इनमें जबरन धर्मांतरण, सीमा पार से घुसपैठ, भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला बारूद तथा नकली मुद्रा का भंडारण, अपहरण और धमकी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप रिट याचिकाकर्ताओं के दावों से सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन उनके पतियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मालदा जिले के एसपी को हलफनामे के रूप में अपनी स्वतंत्र एवं विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ जस्टिस मंथा ने कहा कि पुलिस को याचिकाकर्ताओं की जान के खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। बता दें कि साल 2021 में भाजपा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी द्वारा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को हिंसा में झोंक दिया गया था। हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टीकरण की मास्टर खिलाड़ी हैं। उन पर लगातार एक धर्म विशेष के फायदे को लेकर नीतियां बनाने और उन्हें लाभ पहुंचाकर अपना वोट बैंक बनाने के आरोप लगते रहे हैं। यही नहीं, आरोप तो यहां तक है कि चुनावी फायदे के लिए वो राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सपोर्ट करती रही हैं। अब एक ताजा मामले में ममता बनर्जी पर लग रहे ये आरोप पूरी तरह से पुख्ता हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को विधानसभा का टिकट दे दिया था जिसके पास भारत और बांग्लादेश दोनों की नागरिकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने दावा किया है कि 1969 में भारत में पैदा हुई थी और बांग्लादेश में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने आलो रानी को बांग्लादेशी नागरिक माना है। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा चूंकि वह भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के साथ
संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार वो किसी भी राज्य में चुने जाने के योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने अपने आदेश में कहा, आलो रानी सरकार ने पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था, जो भारत की नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं है। इस मामले में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बोगांव दक्षिण विधानसभा सीट से लड़े भाजपा के स्वप्न मजूमदार ने टीएमसी की उम्मीदवार आलो रानी सरकार को हरा दिया था। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणामों से असंतुष्ट होकर टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में दर्ज है। वह एक बांग्लादेशी नागरिक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए टीएमसी नेता की नागरिकता को अवैध ठहरा दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी कानून की धारा 29A की उपधारा 5 के उल्लंघन की दोषी है। उसने एक विदेशी नागरिक को निर्वाचित करने की कोशिश की। उसने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से समझौता कर देश के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं को बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसने में मदद करने और अपने वोटर्स को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को मतदाता पहचान पत्र देने के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना जो भारतीय नहीं है, यह पहले कभी नहीं हुआ। कोर्ट का आदेश आने के बाद चुनाव आयोग द्वारा अब कार्रवाई का इंतजार है। वहीं आलो रानी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डिवीजन बेंच में इसे चुनौती दूंगी। वहीं कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नामांकन करते वक्त चुनाव वाली तारीख और इसके रिजल्ट के दिन तक वो एक बांग्लादेशी नागरिक थी। टीएमसी नेता आलो रानी सरकार की शादी 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्रनाथ सरकार से हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थी, लेकिन जब पति से नहीं बनी तो वो फिर से भारत चली आई। बहरहाल अदालत के फैसले के बाद ममता पर लंबे वक्त से लग रहे आरोप सही साबित हुए हैं और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से गर्माने वाला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे मुखिया राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि सभी लोग लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ें। साथ ही उन्होंने नवनीत राणा की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने राणा दंपति को सताया। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्या मातोश्री कोई मस्जिद है जो जहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती? सभी जानते हैं कि राणा दंपति और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के दावे पर मुझे हंसी आती है। उद्धव ठाकरे खुद को असली हिंदू बताते हैं, यह उनका बचकाना वाला दावा है। शिवसेना पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि क्या शिवसेना यह तय करेगी कि असली और नकली हिंदुत्व तो क्या है? वो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व तो बनाम तुम्हारा हिंदुत्व तो। क्या यह वॉशिंग मशीन का एड चल रहा है जिसमें हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे? हम हिंदुत्व की बात करके लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। वहीं इस रैली में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने और समान नागरिक संहिता लागू करने की भी गुजारिश की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लाएं और जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून केंद्र सरकार लेकर आए। रैली में राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे के रद्द करने के पीछे क्या कारण है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई केस दर्ज किए जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। राज ठाकरे ने कहा कि जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके अयोध्या जाता हूं तो आपके जैसे लाखों लोग वहां आते और वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठ, आप लोगों पर मामला दर्ज कर जेल में डाला जाता। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को
जेल में डाल दिया जाता है और चुनाव के समय यहां कोई नहीं होता। यह सब एक षड्यंत्र है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं चार शब्द सुनने को तैयार हूं, लेकिन आपको जेल नहीं जाने दूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे आज भी याद है जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त कार सेवकों को जान से मारा गया। मुझे बाद में समझ में आया कि यह सब ट्रैप था। अगर मैं अयोध्या जाता तो निश्चित ही मेरे साथ मेरे हजारों मनसे सैनिक अयोध्या जाते और फिर सभी कार्यकर्ताओं पर केस किया जाता। मुझे गाली मिलेगी, चलेगा, मेरे ऊपर टिप्पणी की जाएगी, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को फंसने नहीं दूंगा। वहीं उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। अब हमसे माफी मांगने की बात क्यों कही जा रही है? हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर निकाला, आपने कौन सा आंदोलन किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस की भद पिटवाने में उसके नेताओं का भी कोई सारी नहीं है। पहले वो उल्टे सीधे बयान देते हैं और फिर फजीहत कराने के बाद उन्हें वापस ले लेते हैं। ताजा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को अपने एक बयान पर शर्मिंदा होना पड़ा और स्वीकार किया उन्होंने जो भी कहा था वो तथ्यों के हिसाब से गलत था। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कटौती की थी। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई। लेकिन सरकार के आम आदमी को राहत पहुंचाने वाले इस फैसले पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने हमला बोलते हुए कहा था कि केंद्र ने राज्यों को आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में छोड़ दिया है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के वैट के राजस्व को छोड़ सकते हैं जब तक केंद्र उन्हें अधिक धन या अनुदान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि राज्य असमंजस की स्थिति में है। चिदम्बरम का मानना था कि इस कटौती से राज्यों के राजस्व पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में की गई कटौती के बारे में असल तथ्य उनके दावे के विपरीत है। चिदम्बरम ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती की अधिसूचना अब उपलब्ध है। मैंने एक्साइज ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन कटौती अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में हुई है जिसे केंद्र राज्यों के साथ साझा नहीं करता है, इसलिए मैंने कल जो कहा था तथ्य उसके विपरीत है। टैक्स में इस कटौती का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा, इसलिए मैं अपने तथ्यों को ठीक कर रहा हूं। पी चिदम्बरम ने केंद्र द्वारा तेल की कीमतों में कटौती और निर्मला सीतारमण के राज्यों से भी इसका पालन करने के अनुरोध पर ट्विटर पर दावा किया था कि राज्यों से किया गया वित्त मंत्री का आह्वान व्यर्थ है। जब वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 1 रुपए की कटौती करती हैं, उसमें 41 पैसा राज्यों का होता है। इसका मतलब है कि केंद्र ने 59 पैसे और राज्यों ने 41 पैसे की कटौती की है। इसलिए राज्यों पर उंगली मत उठाइए। असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में कटौती करे, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। दरअसल यही चिदम्बरम से समझने में चूक हुई थी, क्योंकि वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में ही कटौती की घोषणा की थी। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण देश में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से जनता को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बुरी तरह विधानसभा चुनाव हार चुकी समाजवादी पार्टी हिंदुओं के मुद्दों पर खुलकर हिंदुओं के पक्ष का विरोध करती रही है, और अगर कहीं गलती से कोई सपा नेता समर्थन कर दे तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। ठीक यही हुआ है समाजवादी पार्टी की महिला नेता रुबीना खानम के साथ। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान विवादित ढांचे में शिवलिंग मिलने पर परिसर को हिंदुओं को सौंप देने की अपील करने वाली रुबीना खानम पर बड़ी गाद गिरी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रुबीना खानम को उनके पद से हटा दिया है। रुबीना अलीगढ़ महानगर की महिला विंग की अध्यक्षा थी। सपा की इस कार्रवाई के बाद रुबीना ने इसे समाजवादी पार्टी का असली चेहरा बताया है।
साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अनुशासनहीन इसलिए हो गई क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के हिसाब से नहीं बोली। मुझे सपा ने पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने राष्ट्रवाद और सभी धर्मों के सम्मान की बात कह दी। यही सपा का असली चेहरा है। रूबीना ने कहा, जिस पार्टी में मैं सच भी नहीं बोल सकती और देश की बात भी नहीं कर सकती, उसमें मैं नहीं रहना चाहती। मेरे पास आए लेटर में मुझे अनुशासनहीन बताया गया है। मतलब मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी बात करना अनुशासनहीनता कैसे हो गया? अगर ये अनुशासनहीनता है तो मैं इसे बार बार करूंगी। आज पद से निकाला है, कल पार्टी से निकाल देंगे। ऐसी पार्टी में मैं खुद नहीं रह सकती। रूबीना के मुताबिक जिस पार्टी में बहू अपर्णा यादव का सम्मान नहीं हुआ, वहां मेरा सम्मान कैसे होता? ये सच है कि मैं पहले तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, लेकिन बाद में मुझे मेरी आत्मा ने झकझोर दिया, तब मुझे आत्मज्ञान हुआ, तब से मैंने पूरे देश की बात करनी शुरू कर दी। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी सर्वे पर बोलते हुए रूबीना खानम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि किसी शासन ने जबरन ताकत के दम पर मस्जिद बनाई गई थी, तब हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि वहां नमाज पढ़ना हराम है। साथ ही तब हमारा मुस्लिम समाज और उलेमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को लौटा दे। वहीं यह बात भी दीगर है कि रूबीना खानम इससे पहले कई बार विवादित बयानबाजी भी कर चुकी हैं। हिजाब विवाद में रूबीना ने हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देने का ऐलान किया था, जबकि लाउडस्पीकर विवाद में भी उन्होंने मंदिरों के आगे लाउडस्पीकर पर कुरान का पाठ करने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस बात का अंदेशा पिछले कुछ वक्त से जताया जा रहा है, अब वो सबके सामने है। समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक हुई और उस बैठक में शामिल होने आजम खान नहीं पहुंचे। उनके साथ ही उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम खान और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने शिवपाल यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। गौरतलब है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तल्खियां पिछले कुछ वक्त से बढ़ चुकी हैं, इसीलिए आजम खान और उनके समर्थक पार्टी से नाराज हैं। वहीं शिवपाल यादव के भी अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मतभेद खुलेआम हो चुके हैं। करीब दो घंटे चली समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में इस सत्र को लेकर रणनीति तय हुई। विधानसभा सत्र की अवधि छोटी रखने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार का घेराव करेगी, लेकिन हर तरफ चर्चा इसी पे है कि आजम खान और शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद अब शायद यह तय हो चुका है कि आजम खान सपा के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इस पर भी अभी कुछ साफ नहीं है। पर शिवपाल यादव का आजम खान के साथ लगातार मौजूद रहना ये जरूर दिखाता है कि दोनों मिलकर कोई नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि आजम खान ने इससे पहले सपा को लेकर कहा था कि लंबे अरसे जेल में रहा, सियासी माहौल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस पर मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम भी सोचेंगे कि हमारी नीयत वफादारी मेहनत में कहां कमी रह गई कि हम घृणा के पात्र बन गए। पर अब सपा की अहम मीटिंग में ना जाकर उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है। वहीं सपा का कहना है कि आजम खान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में आजम खान भाग लेंगे। खुद आजम खान ने कहा है कि विधानसभा मेरे लिए नई जगह नहीं है, 10वीं बार मैं विधानसभा की दहलीज पार करूंगा, वहां नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है, जनता ने मुझे चुना है और उनके हक की आवाज़ उठाने के लिए मैं बार बार विधानसभा जाऊंगा। विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में आजम खान की सीट अखिलेश के बगल में हो सकती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व के साथ आजम खान के नाखुश होने की अफवाहों को बल तब मिला जब वो जेल में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले, लेकिन एक दिन बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से उनकी मुलाकात हो गई। उसके बाद करीब 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर आजम खान जब रामपुर पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया कि उनकी तबाहियों में उनके अपनों का बड़ा योगदान है। रामपुर में आजम खान ने कहा, मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है, मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस जितना भविष्य की रणनीति बनाकर केंद्र की सत्ता में वापस आने की कोशिशें करती है, उतना ही कोई ना कोई आकर उसके अरमानों पर पानी फेर जाता है। कभी ये काम खुद कांग्रेस के नेता करते हैं तो कभी कोई बाहरी। पार्टी ने बीते दिनों उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और 2024 आम चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बयान दिया था कि भाजपा को हराना क्षेत्रीय पार्टियों के बस की बात नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां ही देश में मुख्य विपक्ष समझी जाने वाली कांग्रेस से कन्नी काट रही हैं और कांग्रेस के बिना 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही हैं।
इनमें सबसे आगे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर। केसीआर लगातार कांग्रेस की उस मुहिम को धोखा दे रहे हैं जिसमें पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की जा रही है। अब केसीआर कांग्रेस को अलग छोड़कर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में है। केसीआर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। फिर वो पंजाब पहुंचकर किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई उनके परिवारों से मिलने चले गए। इससे पहले केसीआर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इसी बीच तेलंगाना कांग्रेस ने केसीआर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता दासोजू श्रमण ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में आत्महत्या करने वाले 8,000 किसानों को लेकर आंखें बंद कर रखी हैं। वहीं 26 मई को केसीआर बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मिलेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र में रालेगढ़ सिद्धी जाकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह वो पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। वो उन जवानों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जिनकी जान गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान चली गई थी। केसीआर के हालिया दौरों और उनकी रणनीतियों को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस पूरी कवायद में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि केसीआर कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। वहीं हाल ही में राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर गए थे और केसीआर की पार्टी टीआरएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद से ही केसीआर कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद केसीआर ने 2019 के चुनाव से पहले भी की थी, लेकिन तब भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।